हाँ तो गाइस फाइनली Xiaomi TV X Pro सीरीज लॉन्च होने जा रही है 19 अप्रैल 2 बजे से इसकी सेल शुरू हो जाएगी। Amazon और Flipkart पे भी आपको इसकी सेल शुरू हो जाएगी। लेकिन यार सेल शुरू होने से पहले क्या ये स्मार्ट टीवी लेनी चाहिए यार? सबसे पहले चलो आपको कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी इसकी बता देते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्मार्ट टीवी फाइनली आपके लिए अच्छी है कि नहीं। सबसे पहले शुरुआत कीजिए यार Xiaomi TV X Pro सीरीज, इसमें 3 साइज में ये स्मार्ट टीवी आ रही है, 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच। तीनों ही तीनों जो साइजेज हैं वो आपको VA पैनल के साथ ही मिल रहे हैं। लेकिन फाइनली Xiaomi ने कहा है कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स हमारे IPS पैनल बना रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे को कोई मैन्युफैक्चरर इनके IPS पैनल वाले मिलते नहीं है। तो VA पैनल ही 100% सारी स्मार्ट टीवी आपको मिलने वाली, पहली चीज़ तो आपको ये बता देते हैं। और दूसरी चीज़ ये 19 अप्रैल के हिसाब से लॉन्च होने जा रही है, तो क्या हमको ये टीवी अभी से निर्णय लेना चाहिए कि हमको ये स्मार्ट टीवी लेनी चाहिए नहीं चाहिए? चलिए आपको सारी चीज़ जल्दी से आगे बताई जाए। सबसे पहली चीज़ हम इसके डिज़ाइन से शुरू करेंगे, क्योंकि यार इस टीवी का डिज़ाइन ही सबसे बड़ा मेन हाईलाइटेड किया गया है, क्योंकि आपको इसमें प्रीमियम मेटल बेजल लेस डिजाइन मिल रही है, जो कि नॉर्मल सी बात है। किनारे किनारे के जो बॉर्डर्स है वो मेटल के लगाए गए हैं, सिल्वर लुक देते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे लुक लगते हैं। साथ साथ में इसमें स्टैंड का भी, जो स्टैंड लग रहे हैं नीचे जैसे आपको दिख रहा है इमेज में, वो भी आपको मेटल के ही स्टैंड मिल जाते हैं, जो कि सेकंड थिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। और बेजल लेस डिजाइन काफी ज्यादा है, मतलब 96% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 96.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा वाकई में एक मतलब फाइन लुक देता है यार एक स्मार्ट टीवी को, जो कि आपको ये प्रीमियम टीवी आप जब अपने हॉल में लगाओगे अच्छी लगेगी। लुक वाइज तो मैं बोलूंगा अच्छी लग रही है मुझे। चलो डिस्प्ले की बात करिए, जिसके लिए खासकर हम यार ये स्मार्ट टीवी को ले रहे हैं। कैसा है इसकी पिक्चर क्वालिटी, कैसा है डिस्प्ले, क्या क्या चीजें इसमें, चलो जल्दी से आपको बताया जाए। सबसे पहली चीज, जितनी भी साइज आपको बताई जो है, तीनों की तीनों साइज आपको 4K HDR 10 प्लस का कंटेंट के साथ चल सकती है। हाँ जी, 4K स्मार्ट टीवी है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है क्या 4K, नॉर्मल सी बात है 4K टीवी लॉन्च करेगी जब इतनी अच्छी टीवी लॉन्च करी है। और टीवी लॉन्च करने से पहले यार आपको चलो प्राइसिंग बता देते हैं। 43 इंच की टीवी जो अभी प्राइसिंग अभी बताई गई है वो लगभग 33,000 रुपीज़ में आपको मिलेगी 43 इंच की टीवी। 50 इंच की टीवी अगर आप लेते हो तो लगभग आपको मिलेगी 40,000 रुपीज़ की, और 55 इंच की लोगों तो लगभग 47,000 तक मैक्सिमम प्राइस जा सकती है। लेकिन ये फाइनल प्राइसिंग नहीं है, आपको सब में 2-3 हज़ार रुपये घट के प्राइस मिलेगी। मतलब जैसे कि 43 इंच की टीवी लोगे तो मे भी आपको वो 29,999 की मिल जाएगी, मतलब 30,000 की लगभग मिल सकती है, जो कि कार्ड्स एंड ऑफर के साथ हो सकता है और भी ज्यादा कम हो जाए। प्राइसिंग चलो किनारे करते हैं, चलो आपको जल्दी से इसके बारे में सब कुछ बता दिया। जैसे कि डिस्प्ले की बात करें तो इसमें पिक्चर कोडेक की बात की जाए, HDR 10 प्लस, HDR 10, HLG और साथ साथ में डॉल्बी विजन, हाँ जी डॉल्बी विजन, ये सारे के सारे आप कंटेंट इसमें चला सकते हो। लेकिन अब बात आती है कैसे चला सकते हो, कैसी है पिक्चर क्वालिटी। सबसे पहले बात करी जाए इसकी पिक्चर क्वालिटी की, जब भी आप कोई इसमें मूवी देखोगे पिक्चर क्वालिटी के नाम पर अगर बात करी जाए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें देखो पिक्चर क्वालिटी के नाम पर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भर दी गई, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो यार इसमें जैसे देखो विविड पिक्चर इंजन 2 लगाया गया, सेकेंड जनरेशन का पिक्चर इंजन लगाया गया, जो कि Xiaomi ने खुद क्रिएट किया, जिसके कारण से क्या होता है जो कलर्स होते हैं और भी ज़्यादा पंची जाना चाहते हैं, मतलब रेड है तो और ज़्यादा ब्राइटेस्ट रेड आएगा इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं डेली लाइफ में, आप जो डेली लाइफ में खासकर डेली सोप देख रहे होगे, न्यूज़ देख रहे होगे, ये सब चीज़ें देखो खासकर आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। साथ साथ में अगर आप बात करोगे मूवीज़ की, तो आप उसमें HDR 10 प्लस के जब कंटेंट चलाओगे, वाकई में HDR 10 प्लस का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चलता है। और दूसरी बात ये HDR 10 प्लस का कंटेंट नहीं, डॉल्बी विजन का कंटेंट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चलता है। जिस हिसाब से इसका प्राइस है ना, उस हिसाब से तो मैं बोलूंगा इसमें आपको मैं मतलब डॉल्बी विजन के हिसाब से मैं 10 out of 10 देना चाहूंगा। आप सोचोगे इतना ज्यादा फोन नंबर क्यों दे रहे हो, क्योंकि यार डॉल्बी विजन का कंटेंट इतने कम रुपीज में, पहली ऐसी टीवी है जो इतने अच्छी तरीके से चला रही है। इसमें ट्यून्ड अप काफी ज्यादा अच्छी तरीके से किया गया, ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। साथ साथ में HDR 10 प्लस के कंटेंट फाइन तरीके से चलते, कोई भी दिक्कत नहीं है, और HDR 10 के कंटेंट तो अच्छे तरीके से चलेंगे साथ साथ में। विविड पिक्चर इंजन 2 जैसे कि मैंने बताया काफी ज्यादा अच्छी तरीके। एक चीज़ और स्क्रीन पर डिस्प्ले में बताना चाहूँगा आपको, इसमें अडाप्टिव ब्राइटनेस मिल रही है। अडाप्टिव ब्राइटनेस मुझे पता है कई सारे लोग सोच रहे हैं मिल रही है, हाँ भाई साहब मिल रही है। तीनों साइजेस में आपको अडाप्टिव ब्राइटनेस मिल रही है। जैसे ही आपकी टीवी मतलब रूम में ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, इसकी ब्राइटनेस स्मार्ट टीवी के अपने आप से बढ़ जाएगी। आप अंधेरे में मतलब रात में मूवी देखना तो ब्राइटनेस आपके साथ घट जाएगी, जिससे आपकी आंखें अपने आप से एडजस्ट हो पाए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही है। और यही नहीं, 1 billion प्लस का सपोर्ट है, कलर का सपोर्ट है, कलर इतने अच्छे इसीलिए DCP-i3 94% के ऊपर आपको मिल रहा है, मतलब कलर्स गैमिट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्यूरेसी इसमें रखी गई है। स्पीकर्स की बात करिए तो कैसे हैं इसके स्मार्ट स्पीकर्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको इसमें डॉल्बी एटमस का सपोर्ट है, DTS HD का सपोर्ट है, DTS X का सपोर्ट है, ये सारी चीज़ बोलते हैं। साथ साथ में 2 स्पीकर सेटअप आपको मिल जाएंगे, जो कि डाउन फायरिंग स्पीकर होंगे, नीचे के साइड लगाए गए हैं। और यही नहीं, स्पीकर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगाए हैं, क्योंकि आपको 43 इंच की टीवी में आपको 30 वॉट के स्पीकर मिल जाते हैं, जो कि डॉल्बी एटमस सपोर्ट करते हैं, DTS X HD ये सब चीज़ें सपोर्ट करते हैं। और 50 इंच और 55 इंच की अगर टीवी लेते हो तो आपको उसमें 40 वॉट के स्पीकर मिल जाएंगे। बाकी बात करिए साउंड क्लियरिटी, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर साउंड आती है, डॉल्बी एटमस इनबिल्ट है, हाँ डॉल्बी एटमस इनबिल्ट स्पीकर इसमें दिए गए हैं, लेकिन हाँ उस वे बेटर, मतलब यार नॉर्मल सी बात है
आप जब डॉल्बी एटमॉस का कोई भी स्पीकर लेते हो तो 40-50 हज़ार से शुरू होते हैं, लेकिन आपको इसमें दिए गए तो आपको समझ लीजिए 50% 60% तक आपको डॉल्बी एटमॉस अच्छा लगेगा, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो जितना ज़्यादा आप स्पीकर डॉल्बी एटमॉस के अलग से ले लो। हाँ, लेकिन क्रिस्टल क्लियर साउंड है जिसके कारण से DTS:X वर्चुअल सराउंड साउंड इसमें काम करता है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, साउंड क्लियरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस बार यार आपको बता दूँ काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। पहली बार ऐसा है कि MI TV एंड्रॉइड से बढ़कर के गूगल टीवी की ओर बढ़ गई। गूगल टीवी आपको बता देता हूँ काफ़ी, मतलब एंड्रॉइड के समझ लीजिए एक ऊपर का वर्जन है गूगल टीवी। एंड्रॉइड भी गूगल का है और गूगल तो गूगल का है ही, तो इसमें इस बार आपको गूगल टीवी मिला जिससे आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ऐप्स ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से होगी। यही नहीं, MI TV तो एक सॉफ्टवेयर आपको इसमें और एक्स्ट्रा मिल जाता जो कि आपको पैच वाल प्लस सॉफ्टवेयर, जो कि आपको समझ लीजिए गूगल से भी ज़्यादा अच्छा लग सकता है किसी किसी सिनेरियो में। लेकिन यार दोनों लगभग सेम ही तरीके से काम करते हैं। अगर एंड्रॉइड होता तो पैच वाल मैं बोलता तब अच्छा है, लेकिन यार गूगल और पैच वाल लगभग समझ लीजिए सेम तरीके से। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है, एक ही स्मार्ट टीवी में आपको दो दो सॉफ्टवेयर मिलने, एक पैच वाल और एक गूगल टीवी। तो मतलब इसके सामने आप किड्स मोड और ये सारे जो एक्स्ट्रा मोड्स होते हैं ये सब चीज़ें भर भर के इसमें दी गई हैं। अब आगे आपसे जैसे कुछ कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस की बात की, जैसे कनेक्टिविटी बात की जाए तो आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल रही है जो कि कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देता है। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आपको जो वाईफाई है उसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई मिलना है 2.4 GHz और 5 GHz दोनों से कनेक्ट हो जाएगा अच्छी तरीके से। यही नहीं, आपको इसमें 2 GB की रैम और 16 GB का स्टोरेज भी मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़, मतलब 4 GB तो इसमें देखिए सॉफ्टवेयर खेल लेगा तो 12 GB आपको स्टोरेज खाली मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ है। क्योंकि यार कोई कोई कंपनीज ऐसी होती है जो 8 GB का स्टोरेज दे देती है तो वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होती है ऐप्स डाउनलोड करने में, इसमें आपको 12 GB का स्टोरेज खाली मिलना है। और यही नहीं, आप पेन ड्राइव के थ्रू भी स्टोरेज बढ़ा सकते हो। साथ साथ में आपको इसमें क्वाड कोर A55 प्रोसेसर मिल रहा है, तो प्रोसेसर अच्छा प्रोसेसर लगाया गया है, बहुत बेहतरीन नहीं बोलोगे लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर लगाया गया है जो कि 4K कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से चला सकता है। कि जैसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात है तो आपके इसमें फार फील्ड माइक मिल रहा है, मतलब आपके रिमोट रख दीजिए टीवी को डायरेक्टली आप कमांड दे सकते हो, जैसे कि ओके गूगल डू दिस डू डैट ब्राइटनेस बढ़ा दो, ये कर दो, अपने रूम की कुछ चीज़ें उसको भी कनेक्ट कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। साथ साथ में आपको इसमें रिमोट में भी आपको डेडिकेटेड बटन मिल जाती है गूगल असिस्टेंट की, और साथ साथ में आपको डेडिकेटेड जैसे यूट्यूब अमेजन प्राइम नेटफ्लिक्स इन सब की बटन मिल जाती है जैसे कि आपको रिमोट के ऊपर दिख रहा है। यही नहीं, साथ साथ में आपको इसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड MEMC ये सब मिल रहा है। मैं ऑटो लो लेटेंसी मोड आपको पता किस लिए, गेमिंग के लिए काम आता है, और MEMC भी जिटरनेस जिससे काफ़ी ज्यादा कम हो जाए ये भी काफी ज्यादा चीज है। और साथ साथ पोर्ट्स और इनपुट्स की बात करोगे तो आपको इसमें HDMI 2.1 का एक पोर्ट मिल रहा है जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। बाकी में टोटल 3 HDMI के पोर्ट मिल रहे हैं। डॉल्बी एटमॉस का आउटपुट स्पीकर लगाना तो लगा सकते हो। साथ साथ में आपको 2 USB के पोर्ट मिल रहा है, ईथरनेट ऑप्टिकल, ये सारे के सारे भर भर के पोर्ट दिए गए, कोई भी पोर्ट में कमी नहीं करेगी आपको बता देता हूं। और रिमोट तो मैंने जैसे आपको बता दिया, रिमोट के साथ साथ इसमें सेल मिल रहा है, ये चीज बता दूं, इन इसके अंदर आपको बॉक्स के अंदर सेल मिल रहा है जो कि काफी अच्छी बात है। देखिए अभी तक मैंने आपको सब कुछ ज़्यादा इन कंक्लूजन अगर बात की जाए, 19 अप्रैल को ये इसकी 2 बजे से सेल शुरू हुई, लेना चाहिए टीवी 30,000 रुपये में, अगर 33,000 नहीं, अगर 30,000 रुपये में अगर ये स्मार्ट टीवी आपको मिल रही है आँख मूंद के ले लो। सब कुछ इसमें A1 क्वालिटी का लगाया गया यार, क्योंकि इतने प्राइस रेंज में अगर आपको बता दो किसी भी कंपनी में कंपेयर कर लो इतनी सारी चीज़ें नहीं मिल रही है। आप LG की बात करो उसमें भी आपको 30W के स्पीकर नहीं मिल रहे, आप सैमसंग की बात करोगे आप उसमें भी आपको डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन के कंटेंट नहीं दे सकते। साथ साथ में गेमिंग की बात करोगे तो इसमें नेक्स्ट लेवल की गेमिंग भी लगाई गई है, इसमें पैच वॉल भी लगाया गया, गूगल टीवी भी दे दी गई, सब कुछ भर भर के दे दी गई। तो मैं बोलना चाहूँगा इन फाइनल आप स्मार्ट टीवी को आप मूड के ले सकते हो, चाहे आपको कोई भी साइज की टीवी लेनी हो। हाँ, अगर 30,000 रुपये की टीवी मिल रही हो जो है अगर, और मतलब वैसे वैसे सब में 3,000 रुपये अगर कम हो रहे हो तो ही स्मार्ट टीवी खरीदेगा, नहीं तो मत खरीदेगा उस प्राइस में, क्योंकि थोड़े दिन बाद नहीं तो प्राइस कम हो जाएंगे। 30,000 रुपये में 43-inch टीवी, बाकी और सब में 3,000 रुपये कम कर लीजिए उसी प्राइस में स्मार्ट टीवी तो ले लीजिए। प्लस साथ साथ में अगर आपको स्मार्ट टीवी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दूंगा इस वाली स्मार्ट टीवी की, और वीडियो यहाँ पर अगर आप देखते हैं पसंद आ ही चुकी है प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ बेल आइकन कॉल की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।